अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के स्मार्टफोन के बारे में जिसने आप लोगों को सबसे पहले सबसे सस्ती प्राइस टैग के अंदर एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन प्रोवाइड किए थे और मार्केट के अंदर एक ट्रेंड सेट किया था कि 35,000 रुपये के प्राइस टैग के अंदर भी यूजर को एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन ऑफर किए जा सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वीवो के वीवो S1 स्मार्टफोन की। इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी इस स्मार्टफोन की एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से और चीप प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया गया था कि हर दूसरे बंदे के हाथ में आप लोगों को Vivo का S1 स्मार्टफोन ही देखने को मिल रहा था। रिसेंटली Vivo ने लॉन्च कर दिया है अपनी एक और ब्रांड वाइज Vivo Y31 को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को Y31 डिवाइस के अंदर क्या-क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस डिवाइस की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन भी मिलने वाली है, प्राइस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसको दबा के बेल पर कर लीजिएगा ताकि हमारे सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Vivo के इस Y31 डिवाइस के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो डिस्प्ले देखें आप लोगों को 6.58 इंचेस की IPS LCD वाली स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन का आप लोग डिजाइन देख ही सकते हैं, आप लोगों को ड्यूल ड्रॉप डिस्प्ले वाला स्क्रीन डिजाइन दिया गया है। 1080p फुल HD+ की आप लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है। अच्छा, आप लोगों ने मेरी इंट्रो को थोड़ा गौर से सुना तो आप लोगों को याद होगा कि इंट्रो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के स्मार्टफोन के बारे में जिसने आप लोगों को सबसे पहले सबसे सस्ती प्राइस टैग के अंदर एमोलेड डिस्प्ले वाली स्क्रीन प्रोवाइड की थी और वो कंपनी थी Vivo। और अब ये वही कंपनी है जो कि आप लोगों को 35,000 रुपये के प्राइस टैग के अंदर IPS LCD वाली स्क्रीन वाले डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है। सीरियसली 2021 के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन काफी ज़्यादा टफ हो चुका है और Vivo यहाँ पे डाउनग्रेड करने पर लगा हुआ है। रिसेंटली Xiaomi ने अपनी Note 10 डिवाइस के अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, एमोलेड भी नहीं सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया है और उसकी प्राइस रखी गई है 32,000। तो कैसे कम्पीट करेगी ये Vivo की Y31 डिवाइस, मेरी समझ से तो बाहर है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइस की कुछ डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फोन की साइड्स पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट मिल जाती है। बैक लुक चेक करें, एक डिसेंट और मिनिमलिस्टिक आप लोगों को काइंड ऑफ ब्लैक लुक मिल जाती है। बैक पे कैमरास के डिजाइन आप लोग देख ही सकते हैं, बैक पे कुछ इस तरह के आप लोगों को कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को मेन कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का कैमरा दिया गया है। तो ये जो स्मार्टफोन है Vivo का Y31 35,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया गया और इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिल रहा। सीरियसली हैरान कन बात है ना कि आप लोगों को इस प्राइस टैग के अंदर भी 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा लगाते थे जिसकी कैमरा मेगापिक्सल की क्वालिटी भी कम होती थी, वो वाले कैमरास भी अब निकालना शुरू कर दिए गए हैं। तो इस डिवाइस के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो मिसिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा लेना चाहते हैं तो आप लोग इस डिवाइस को स्किप कर सकते हैं। बात की जाए इस डिवाइस की सेल्फी शूटर की, तो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। अब बात करूं मैं इस डिवाइस की वीडियो क्वालिटी की, तो बैक कैमरे से आप लोगों को 4K तक की वीडियो क्वालिटी की आउटपुट मिलेगी और फ्रंट साइड के कैमरे के अंदर आप लोगों को 1080p के ऊपर 30fps के मैक्सिमम फ्रेम रेट की वीडियो क्वालिटी की आउटपुट मिलेगी। रैम और रोम रेंट की बात की जाए तो आप लोगों को 4GB की रैम दी गई है, 128GB की स्टोरेज दी गई है और प्राइस के बारे में मैंने बार बार जिक्र किया कि इस डिवाइस की जो प्राइस रखी गई है वो 35,000 रखी गई है। अब चिपसेट के बारे में बात की जाए तो इस डिवाइस के अंदर लगाया गया है वो चिपसेट जो कि आज से आप लोगों को कुछ साल पहले रियलमी के डिवाइस के अंदर मिलता था, और मैं बात कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन के 662 के चिपसेट की। 2021 के अंदर 662 का चिपसेट दिया गया आप लोगों को Vivo की Y31 डिवाइस के अंदर जिसकी प्राइस रखी गई है 35,000। CPU ऑक्टाकोर मिल जाता है और GPU लगाया गया Adreno का 610 आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस Android 11 की सपोर्ट के साथ आता है। Vivo की फ्रंट टच OS आप लोगों को देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दी गई इस डिवाइस के अंदर, 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो देखो यार ये 35,000 में बार बार इसलिए कहता कि जो 35,000 के जो प्राइस टैग है ना वो एक ऐसी प्राइस टैग है जिसके अंदर आप लोगों को कंपनीज अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रही है, एटलीस्ट कम से कम 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे जरूर प्रोवाइड कर रही है। ये सारी चीजें इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते, तो मेरी तरफ से तो ये डिवाइस बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली। तो अगर आप लोग को इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ इसी सूरत में लेंगे कि भाई Vivo की हमें डिवाइस चाहिए थी और एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो न्यू आए और अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं, तो Vivo की आप ये Y31 डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। जितने लोगों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसको दबा के जरूर बेल कर लीजिएगा ताकि हमारे सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। मुझे याद, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।